हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का इस वीडियो पे स्वागत करती हूँ। आज हम 5 तरीके के फ्रूट शेक बनाएंगे। फ्रूट शेक में सबसे पहले हम बनाना शेक बनाएंगे। बनाना शेक बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सी जार में कुछ कटे हुए केले, 2 चम्मच मलाई, 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, 1 चम्मच इलायची पाउडर, कुछ बर्फ के टुकड़े, 3 दूध डालकर सभी को अच्छे से पीस लेंगे। सारी चीजें पिस चुकी हैं, बनाना शेक भी बन गया है। अब हम इसको एक ग्लास में निकाल लेंगे। बनाना शेक बनकर तैयार है। अब हम एप्पल शेक बनाएंगे। एप्पल शेक बनाने के लिए हमने पहले ही एप्पल को छीलकर और काटकर रख लिया था। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें कटे हुए सेब, 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, 1 चम्मच इलायची पाउडर, कुछ बर्फ के टुकड़े थोड़ा सा दूध और 2 चम्मच क्रीम डालकर सभी को पीस लेंगे। सारी चीजें पिस चुकी हैं। एप्पल शेक भी बन चुका है। अब हम इसको एक ग्लास में निकाल लेंगे। एप्पल शेक बनकर तैयार है। अब हम मैंगो शेक बनाएंगे। मैंगो शेक बनाने के लिए हमने पहले ही आम को छीलकर और काटकर रख लिया था। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें कुछ कटे हुए आम, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, 3 दूध और कुछ बर्फ के टुकड़े डालकर सभी को अच्छे से पीस लेंगे। सारी चीजें पिस चुकी हैं। मैंगो शेक भी बन गया है। अब हम इसको एक ग्लास में निकाल लेंगे। मैंगो शेक बनकर तैयार है।
अब हम अंगूर का शेक बनाएंगे। अंगूर का शेक बनाने के लिए एक मिक्सी जार में कुछ अंगूर, दो चम्मच पिसी हुई चीनी, एक चम्मच इलायची पाउडर, कुछ बर्फ के टुकड़े और थोड़ा सा दूध डालकर सभी को अच्छे से पीस लेंगे। सारी चीजें अच्छे से पिस चुकी है, अंगूर का शेक भी बन चुका है। अब हम इसको एक ग्लास में निकाल लेंगे। अंगूर का शेक बनकर तैयार है। अब हम पपाया शेक बनाएंगे। पपाया शेक बनाने के लिए हमने पहले ही पपीता को छीलकर और काट कर रख लिया था। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें कुछ कटे हुए पपीता, एक चम्मच इलायची पाउडर, दो चम्मच पिसी हुई चीनी, कुछ बर्फ के टुकड़े और थोड़ा सा दूध डालकर सभी को पीस लेंगे। सारी चीजें अच्छे से पीस चुकी हैं। पपाया शेक भी बन चुका है। अब हम इसको एक ग्लास में निकाल लेंगे। पांच तरीके के फ्रूट शेक बनकर तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये गर्मियों के लिए बेस्ट ड्रिंक है। आप इसे फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।